देखो आज इस वीडियो में मैं कुछ बताने वाला नहीं हूँ बल्कि कुछ समझाने वाला हूँ। जो शुरुआत में गलती मैं भी करता था और आप लोग भी करते हैं। देखो आपके पास जिस चीज़ की जानकारी नहीं है उस चीज़ के लिए वीडियो आप मत बनाइए। आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाते हो जरूरी नहीं है कि आपका टेक का ही कैटेगरी, किसी भी टॉपिक। अगर मैं टेक कैटेगरी की अपने कैटेगरी की बात करूँ वीडियोज़ की, तो अगर आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि व्यूज कैसे बढ़ाएं तो आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू इतने वीडियोज आपको मिल जाएंगे और सारे वीडियोज पर जो न्यू क्रिएटर्स अपलोड कर रहे हैं वीडियो सभी की वीडियोज पर 5, 10, 15, 20, 50 व्यूज ही है। मतलब खुद की वीडियोज पर व्यूज नहीं आ रहे हैं तो व्यूज कैसे बढ़ाएं कि वीडियो बनाने का क्या मतलब है, क्योंकि मेरी वीडियोज पर बहुत सारे इनिशियल व्यूज नहीं आते हैं, मुश्किल से 20-50 व्यूज ही आ पाते हैं। मैं वीडियो सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं इसका बना सकता हूँ क्योंकि मेरे पास 3 चैनल हैं और तीनों पर मेरे पास लगभग 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। वॉच टाइम इस चीज़ का मैं वीडियो बना सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद से वॉच टाइम कंप्लीट करके अपना चैनल मोनिटाइज किया है। लेकिन व्यूज कैसे बढ़ाएं ये चीज़ आप अगर वीडियो बनाते हैं तो आपके कम से कम हर वीडियो पे 40-50 हज़ार व्यूज अगर आ रहे हैं तब अगर आप ये वीडियो बनाते हैं तो बात समझ में आती है कि हाँ व्यूज कैसे बढ़ाएं। भले ही आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा है, आपको इनिशियल बूस्ट यूट्यूब की तरफ से मिल रहा है तब आपको व्यूज आ रहा है, लेकिन फिर भी आप इस टॉपिक पर वीडियो बना सकते हैं। ऑलरेडी आपके 100 सब्सक्राइबर भी नहीं हैं और आप व्यूज कैसे बढ़ाएं, 1000 सब्सक्राइबर 24 घंटे में कैसे कंप्लीट करें, सोकर जागकर उठकर बैठकर लेटकर 4000 घंटे कैसे एक दिन में पूरे करें और आपके पास 40 घंटे का वॉच टाइम भी नहीं है, तो इस तरह की वीडियो आप मत बनाइए कभी भी। क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने के बाद जो भी एक बार आपकी वीडियो देख लेगा दोबारा लाइफ में जब भी आपका थंबनेल उस व्यक्ति के सामने जाएगा, इंप्रेशन जाएगा यूट्यूब पे, वो व्यक्ति आपके थंबनेल वीडियोज पर क्लिक नहीं करेगा और आपका इंप्रेशन डाउन हो जाएगा और आपका चैनल खुद ब खुद डेड हो जाएगा। तो अगर आपके पास व्यूज नहीं है तो आप व्यूज की वीडियो मत बनाइए, अगर आपके पास सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइबर की वीडियो मत बनाइए, अगर आपके पास वॉच टाइम नहीं है तो 24 घंटे में 4000 वॉच टाइम पूरा करने का ट्रिक मत बताइए। आप अदर कैटेगरी टेक में भी बहुत सारे, जैसे एक मेनू के सब मेनू होते हैं वैसे टेक में एक मेनू के सब मेनू हजारों हैं। आप फेसबुक का कोई टॉपिक ले लीजिए, व्हाट्सअप का ले लीजिए, ट्विटर का ले लीजिए, यूट्यूब के अदर फीचर का ले लीजिए, गूगल का ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि आप सब्सक्राइबर वॉच टाइम और व्यूज का ही बताएं, क्योंकि आपके पास खुद वॉच टाइम व्यूज और सब्सक्राइबर नहीं है देन आप इस टॉपिक पर वीडियो ना बनाएं। क्योंकि वास्तविकता में जिसको व्यूज और सब्सक्राइबर वॉच टाइम की जरूरत है वो ऐसी वीडियो देखकर परेशान हो जाता है और चैनल ही छोड़ देता है। मान चलो किसी का फूड का चैनल है और उसको जरूरत है 1000 सब्सक्राइबर की, वो सर्च करेगा कि 1000 सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं और उसे थंबनेल देखने को मिलेगा 24 घंटे में 1000 सब्सक्राइबर, 2 दिन में 1000 सब्सक्राइबर, 1 दिन में 500 सब्सक्राइबर, और आपके पास खुद 10 सब्सक्राइबर हैं तो जाहिर सी बात है आप वैसे ही ट्रिक बताएंगे जैसा कि आपने 10 सब्सक्राइबर कंप्लीट किया है। और वो बंदा करते करते 1000 सब्सक्राइबर परेशान हो जाएगा और लास्ट में उसको क्या मिलेगा, सेम वही 10 सब्सक्राइबर, और यूट्यूब से परेशान होकर हो सकता है चैनल भी छोड़ दे। तो इस तरह के टॉपिक पर वीडियो मत बनाइए जिससे लोग इरीटेट हो जाएँ। ठीक है, मैंने शुरुआत में कहा था इस वीडियो में कुछ बताऊँगा नहीं बल्कि कुछ समझाऊँगा, तो यही था।